तो हेलो एवरीवन, आज हम आ गए हैं गुड़गांवा सेक्टर 44 आई बिलीव। एक बार चेक कर लेता हूँ मोबाइल पे, 44 ही है ना। हाँ, ये सेक्टर 44 है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ कि अभी तक जो मैंने लिम्का मोकअप रिकॉर्ड्स 3 बनाए हैं और ये चौथा सबमिट किया है, तो फाइनली जो इसका चौथा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड आफ्टर 1 ईयर, यानी आज ही के दिन मैं उमलिंगला था लास्ट ईयर, वहाँ पे मैंने अपनी कार ड्राइव करके पहुँचा था। तो दिस इज़ द डिफरेंट कार, वो मैंने स्विफ्ट में करा था। जब अगर आप जिन लोगों ने फॉलो किया और जिन लोग मेरे साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मैं स्विफ्ट कार चलाता हूँ, अभी तक चलाता आया हूँ। अभी मैंने रिसेंटली चेंज करी है, उसके बारे में बाद में बताऊँगा। तो वो रिकॉर्ड में सबमिट करने आया हूँ, उसकी जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशंस थी वो आज सबमिट हो रही है। कल एंड आज 6 तारीख है। 6 तारीख में लास्ट ईयर उमलिंगला था और आज ये मैं आपको बिल्डिंग दिखा देता हूँ लिम्का मोकअप रिकॉर्ड की, जहाँ पे अगर आपको यहाँ से दिख रहा हो तो ये रेड वाली बिल्डिंग जो है उसके ऊपर HP लिखा हुआ है, वहाँ पर जाके हम सबमिट करेंगे। फाइनल ये सबमिट हो जाएगा और इसका प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा है। तो मैं यही चाह रहा था कि मैं आप सबसे सब लोगों से ये शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि हाउ टू मेक अ रिकॉर्ड। तो दिस इज़ द राइट वीडियो। और अगर आप चाहते हैं, लिटरली चाहते हैं कोई रिकॉर्ड बनाना कंट्री के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ऑब्वियसली मैं कार में बैठ के ये नहीं बताने वाला कि हाउ टू गो फॉर द रिकॉर्ड और हाउ टू मेक योर डॉक्यूमेंटेशन इन अ राइट वे। तो यू हैव टू हैव गो थ्रू द वीडियो, सारा स्टेप बाय स्टेप मैं कल रात ले चलता हूँ, क्योंकि कल रात में मैंने एक वीडियो बनाई थी पूरी, और उसमें सारा जो मैंने डिटेल्स मेल कहाँ पे करी है और कैसे मेल कहाँ करी, वो तो ऑब्वियसली आपको गूगल पे मिल जाता है। गूगल पे अगर आप लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स डालोगे तो मेल आईडी, देन द एड्रेस, देन द फोन नंबर्स आर देयर, बट हाउ, व्हाट इज़ द प्रोसीजर एंड व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स टू बी फॉलोड, तो वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगी। तो देखने के लिए ऑब्वियसली अभी ले चलते हैं कल रात में घर पर। तो भाई करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत पूरे इस बंडल से। ये आप बंडल मेरे हाथ में दे सकते हैं और ये नोटरी स्टैम्प। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये कोई मकान के या किसी चीज़ के, यानी कोई एसेट के कागज़ नहीं है, बट ये एक बहुत बड़ा एसेट है मेरे हाथ में। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो ये जो मैं रिकॉर्ड्स बनाता हूँ, जैसा आप लोगों को पता होगा 3 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे ऑलरेडी हैं एंड ये मेरा चौथा रिकॉर्ड है जो मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो इस बार मैंने सोचा, जैसे मैं वीडियो में बोल ही रहा था, इस बार मैंने सोचा कि सबको पता होना चाहिए। एक्चुअली सबको नॉलेज भी नहीं है इस बारे में कि कितनी सारा पेपर वर्क करना होता है। तो ये आप पेपर वर्क देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये सारा वो पेपर वर्क है। स्टैम्पिंग होती है, प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती है, CCTV रिकॉर्डिंग्स होती है, सब कुछ मेल पे होता है। फर्स्ट कैसे स्टार्ट होता है, तो ये सब मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का जो क्राइटेरिया है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा मेल है, मेल बॉक्स है। तो मैंने लास्ट ईयर ये रिकॉर्ड बना लिया था 2022 में, और मैंने ये उमलिंगला पहुँचा था 6 जुलाई 2022 में, और आज है 5 जुलाई 2023। तो ऑनलाइन में सब कुछ सबमिट कर चुका हूँ मैं, अभी इसमें सब दिखाऊंगा। और मैंने जो स्टार्ट किया था वहाँ पे, जो सबसे पहले अपनी मेल भेजी थी, वो अगर आप देख सकते हो तो अप्रैल 18, 2022, तब मैंने इसकी स्टार्टिंग करी थी। उनको सब कुछ ब्रीफ किया था कि ऐसे ऐसे मैं उमलिंगला करने जा रहा हूँ। तो आप उस दिन से आज देख सकते हैं, मैंने अभी जो अपने सारे फिजिकली तो मैंने सबमिट करूँगा अभी कल, यानी कल पूरा साल, यानी पूरे एक साल बाद 6 तारीख को मैं सबमिट कर रहा हूँ सारे फिजिकल। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो यानी इट इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट हाँ आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो डेफिनेटली आप लोग भी कई ऐसे रिकॉर्ड्स बना पाओगे, आई एम प्रीटी मच श्योर। बट हाँ,
कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट्स मेरे को भी ऐसे लगते हैं कि जो नहीं होने चाहिए, जो जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पता नहीं वो सब क्यों है, बट हाँ बहुत बहुत, यानी आप एक इतना बड़ा हार्ड वर्क पूरा आप करके आते हो, इतनी बड़ी जर्नी करके आते हो और उसके बाद इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन, अगर आई डोंट नो इफ इट इज़ पॉसिबल उसको थोड़ा सा ये शॉर्ट कर सके, डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा शॉर्ट कर सके, क्योंकि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अगर आपको वो भी देने के लिए इधर उधर मांगना पड़ रहा है तो पूरा साल लग जाता है सबमिट करने में। तो ये मेरा मैं दिखा देता हूँ, ये मेरी पहली मेल थी जो मैंने अपना प्रपोजल दिया था कि आई विल बी डूइंग दिस, ये सारे माइलस्टोन्स वगैरह हो गए, तो ये मैंने उमलिंगला के लिए लिखा था कि मैं 5th जुलाई आई विल बी रीचिंग, जो मैंने 6th पहुँचा था, 28 मैंने स्टार्टिंग करी थी, बट मैंने स्टार्टिंग 1st ऑफ जुलाई करी थी, तो मैंने उसका सब लॉग बुक वगैरह सब कुछ मेंटेन करा था। तो ये ऐसे उनका रिप्लाई आया, फिर मेरा रिप्लाई आया, ये मेरे तीनों लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, फिर यानी उनका ऑटो जनरेटेड मेल आती है वो आई, फिर उसके बाद यानी उन्होंने लिखा थैंक यू फॉर योर मेल, काइंडली नोट दैट आई शैल डिस्कस योर एप्लीकेशन विद माय टीम एंड गेट बैक टू यू। तो उसको उनका रिप्लाई आया ही नहीं, फिर मैंने उनको अगर ये देखो तो मैंने उनका जब रिप्लाई आया ही नहीं तो मैंने अपना एक्सपीडिशन करने के बाद अपने सारी चीज़ें सबमिट करी स्ट्रेट अवे, लॉग बुक, फोटोज, GPS, वीडियोज, ये सब करते करते लॉन्ग प्रोसेस, रिप्लाईज आते आते, तो ये आज का दिन है, आज 5 जुलाई है। एंड मैंने सोचा कि अगर मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो तो बहुत सारे लोगों के काम आएगी, वो भी अपना यानी अगर कोई रिकॉर्ड्स बनाना चाहता है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने आपको रजिस्टर करना चाहता है, तो दिस इज़ द क्राइटेरिया, यू हैव टू गिव अ प्रपोजल फर्स्ट, अपनी मेल डालो, फिर उनका काउंटर मेल आएगा, फिर उसके बाद आपके पास एक ऐसी उनकी तरफ से मेल आएगी जिसमें आपका सब कुछ लिखा होगा कि आपको क्या क्या देना है उन लोगों को, क्या क्या सबमिट रिक्वायरमेंट है जो आपको सबमिट करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट, ये ट्रायल मेल चल रही है, मैं इसमें नीचे अगर जाता हूँ, तो दिस इज द मेन थिंग, जब आप वो आपको एक ग्रीन सिग्नल देते हैं कि यस यू कैन गो, मैंने तो अपना अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट कर रहा हूँ, तो ये है चेकलिस्ट जो आपको सबमिट करनी होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके और दिखा देता हूँ, तो चेकलिस्ट है बिफोर स्टार्टिंग योर अटेम्प्ट, जब आप अटेम्प्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं उसको, स्टार्ट करने से 15 दिन प्रायर आपको ये जो इनका डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ये है डिक्लेरेशन फॉर्म जो एक 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको उनको भेजना होता है, जिसपे सब कुछ सारी डिटेल्स लिखी होती है, जैसे आप मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी है। तो दिस वाज द मेन थिंग जो सबसे पहले आपको बनवाना पड़ता है, और वो आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों सबमिट करना पड़ता है। तो इसके बाद जब आप ये बनवा लेते हैं उसके बाद यू हैव टू गो थ्रू, वी वुड लाइक, इसमें लिखा हुआ है वी वुड नीड टू विटनेस लेटर फ्रॉम इंडिपेंडेंट विटनेस, दीज विटनेस कैन बी गस्टेड ऑफिसर और स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल, कोई भी हो सकते हैं। तो आपको एक लेटर भी वहाँ पे आपको विटनेस करवाना होगा कि हाँ दे नो यू एंड आप ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं। तो इसकी ये वाले मेरे को ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका था, तो मैंने ये थर्ड वाला जो पॉइंट है वी नीड टू लेटर्स ऑफ वेरीफिकेशन फ्रॉम गस्टेड ऑफिसर रैंक 1 लेटर, उनके लेटर हेड पे, आई डोंट नो, ये अगर आप GPS रिकॉर्ड रिपोर्ट दे रहे हो, आप अपनी वीडियोस दे रहे हो, अपना CCTV दे रहे हो, रिकॉर्डिंग सब कुछ दे रहे हो, तो इस लेटर थर्ड नंबर की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ना कोई भी ये, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप किसी गस्टेड ऑफिसर से जाके उनके लेटर हेड पे आप ये लिखवाओ कि इसका मतलब ये है कि आपने जो किया है वो अटैम्प्ट वो वेरीफाई करके दे आपको कि हाँ आपने जो भी वो करा है अटैम्प्ट किया है वो बिल्कुल सही है, और उनके लेटर हेड पर उनका स्टैम्प होना चाहिए इसके। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आई डोंट नो ये क्राइटेरिया ये क्यों इन्होंने मांगा है, और इट शुड हैव स्पेसिफिक डिटेल्स लाइक रूट, डिस्टेंस, टाइम ऑफ अटैम्प्ट एंड एनी अदर डिटेल्स यू मे
यानी कुछ भी नेसेसरी है वो दे सकते हो. तो दैट द लेटर शुड बी स्टैम्प्ड एंड अटेस्टेड बाय द ऑफिसर. तो ये मैंने भाई मेरे को यानी आफ्टर अ ईयर जब मेरे को ये पूरी चेकलिस्ट आई तब मैंने करवाया अपना अटेस्ट. तो दो लेटर्स मैंने बनवाए. तो एक ये रहा, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है कि कन्फर्मेशन ऑफ वैलिडेशन ऑफ रिकॉर्ड, आप देख सकते हो. तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, द फर्स्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी टू रीच उमलिंगला फोर व्हीलर, और ये रूट लिखा है, डिस्टेंस लिखा है कि मैंने 1260 किलोमीटर करा था, स्टार्टिंग डेट टाइम डिस्टेंस और कितने टाइम में 126 घंटे 27 मिनट में मैंने करा. तो ये पूरा मैंने उसको पूरा दो लेटर बनवाए और सब. ये दूसरा लेटर, ये पहला लेटर है और दूसरा लेटर भी दिखा देता हूँ मैं. तो यानी मेरे को नहीं पता कि इन दोनों लेटर्स की ऑब्वियसली वैल्यू तो बहुत है बट इनको बनवाना उतना ही मुश्किल है. तो ये मैंने दोनों लेटर्स बनवाए. तो ये पार्ट ऑफ दिस है. देन फोटोग्राफ्स कवरिंग लेटर, आपका जो फोटोग्राफ्स होती है वो एक पूरा बंच ऑफ फोटोज आ जाएगी जो आपने कहीं कौन कौन सी जगहों पे आपने रुक रुक के, यानी आप रुके. तो मैं ना ये जो ये पूरा है इसमें ना दिखा के आपको जो मैंने अपने क्या नाम है सबमिट किया है सॉफ्ट कॉपी में उस पर दिखा देता हूँ क्योंकि बार बार पेजेस पलटने में मेरे को भी थोड़ी दिक्कत हो रही है. तो ये भाई पोर्शन काटने वाला है उमलिंगला LBR. तो ये सारी PDFs है जो मैंने वहाँ पे सबमिट करी है और ये चेकलिस्ट है जिसकी मैंने आप लोगों पर भी मैं यही बोलूँगा कि आप एक सॉफ्ट कॉपी निकाल लें और उस पर सब टिक कर लें जैसे जैसे आपके वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाए. तो ये सारी सॉफ्ट कॉपी है. तो फोटोग्राफ्स, अगर मैं फोटोग्राफ्स दिखाऊँ यहाँ पे अपनी दिल्ली टू उमलिंगला फोटोग्राफ्स, तो इन्होंने उसको विद टाइम एंड डेट मेंशन ऑन द फोटोग्राफ्स, उन्हें एक PDF चाहिए होती है और उसमें मेजर जितने भी आप पीक पॉइंट्स कवर कर रहे हैं वो होने चाहिए. तो ये लास्ट की फ़ोटो है. तो ऐसे बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, मैं ऊपर कर देता हूँ उसे, सबसे पहली पे ले आता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसे ये सारी फ़ोटोज़ आपको सबमिट करनी होती है. हर में लिखा हुआ है कि मैं कहाँ पे किस डेट को था एंड देन किस टाइम पे मैंने उसको यानी वहाँ पहुँचा. तो फोटोग्राफ आप अपने साथ ऐसे ज़रूर फ़ोटोज़ क्लिक करें, ऐसे यानी मेन पॉइंट्स जैसे अटल टनल है, मैंने उसके बाहर अपनी गाड़ी पे आराम से फ़ोटो खींच के सेकंड जुलाई पे था मैं 2022. तो ऐसा सब कुछ आपको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वहाँ के लिए. ये पता नहीं क्या खोल गया, इसको वापस करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद फोटोग्राफ्स के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने मांगी. तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मेरी एक पूरी पेन ड्राइव है जो मैं सबमिट कर रहा हूँ. ये 64GB की पेन ड्राइव है मेरे पास, ये मैंने मंगाई. इसके अंदर 64GB मैंने जो मेरा वो था क्या नाम है CCTV रिकॉर्डिंग थी वो करीब करीब यानी वो भी बहुत हैवी थी. तो ये DBR के नाम से मेरी एक फ़ाइल है. अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँ तो ये पूरी फाइल जो है 42GB की है. तो ये मेरे को पूरी सबमिट करनी थी तो इसलिए मैंने वो 64GB की एक पेन ड्राइव मंगाई. और पूरी यानी एक से लेकर 6 तारीख तक की जितनी भी रिकॉर्डिंग है वीडियो थ्रू आउट द डे यानी वे की जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ वो पूरी की पूरी आपको रिकॉर्डिंग सबमिट करनी पड़ती है. फिर उसके बाद वीडियो के बाद ये GPS रिपोर्ट होती है. GPS ट्रैकिंग रिपोर्ट मांगते हैं कि आपकी गाड़ी में GPS होना चाहिए. तो इसके लिए मैंने अपना सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर GPS ट्रैकिंग रिपोर्ट ये मैं खोल के दिखा देता हूँ ये मैंने डाली. अब प्रॉब्लम ये थी कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे सिग्नल्स नहीं होते. मेरे साथ तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी उपसी के बाद. अगर आप हान ले जाते हैं तो उसके बाद आपके पास कोई सिग्नल्स ही नहीं होते. बट फिर भी यू शुड हैव अ GPS ट्रैकर इन योर कार. वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होता है कि घर वाले ट्रैक कर लेते हैं कि कहाँ तक पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे एंड द कार इज़ मूविंग. तो इट इज़ गुड. तो ये ऐसे कितने पेजेस की हैं अगर कहीं लिखा हो तो मैं बता देता हूँ. काफ़ी यानी ये है आपकी GPS रिपोर्ट जो है करीब करीब 29 पेज की है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. यहाँ 29 पेजेस की है.
तो पूरी की पूरी आपको ये फाइल सबमिट करनी पड़ती है। फिर जीपीएस रिपोर्ट के बाद टेलीविज़न, अगर आपके पास टेलीविज़न कोई कवरेज है या न्यूज़पेपर में आया तो प्लीज़ वो दें। फिर बिल ऑफ पेट्रोल पंप्स, होटल, टोल बूथ्स, फिर अपना एटीएम कोई आपने ट्रांजैक्शन करी हो तो ये सारे बिल भी आपको देने पड़ते हैं, और वो भी आपके काउंटर साइन होने चाहिए। तो मैंने उसकी भी बाद में पीडीएफ बनवाई, ये रहा पेट्रोल पंप, होटल बिल्स, टोल बूथ। तो जितनी भी टोल बूथ के थे तो मैंने जितनी भी यानी टोल प्लाजा बीच में आया और वहाँ पे पेमेंट्स दी, उसके ऐसे ही है जैसे ही आप देखोगे। ये मैंने सारी ऐसे करके दिखा देता हूँ, ये सारी मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे थे मैंने उसकी प्रिंट यानी प्रिंट आउट लिए। फिर ये मैंने पेट्रोल जहाँ जहाँ भराया और जहाँ पे मैंने यानी होटल स्टे करा वो, फिर मेरे रोड परमिट्स मैंने सब कुछ, यानी आपको सब कुछ वो आप अपने पास ज़रूर रख लें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, ये देना पड़ता है उनको। फिर उसके बाद आपको ये मांगते हैं, अगर आपने बिल्स वगैरह की होगी तो ये मांगते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी कि आप डिसेबल, अगर जैसे मैं स्पेशली एबल पर्सन में आता हूँ तो मेरे पास उसका प्रूफ मेरे को वहाँ पे देना होता है। तो ये प्रूफ मैंने जो दिया था यहाँ पर ही होगा, डिस्क्लेमर फॉर्म साइन कॉपी ऑफ ये रहा अपनी, ये मेरे ख्याल से हाँ ये यही है जिसमें मेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी है और गुड हेल्थ, ये जो देना होता है डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ वो आपको फॉर्म देते हैं, वो आपको करना होता है। और आपको एक जो ये है फिटनेस सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना होता है, मैंने बनवा रखा है। तो बहुत ये भी एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, तो ये भी अपने साथ रखे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने पहले खोल दी और मेरा जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट आईडी, हाँ यहाँ पे मैंने आईडी इसके साथ रखी हुई है। तो ये मेरा, ये मेरी कार का आरसी, ये मेरा यूडी आईडी नंबर, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो मांगा है, देन योर आधार कार्ड, गवर्नमेंट आईडी, लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, काउंटर साइन होना चाहिए। तो ये सबका एक बंच बनाए, तो ये सब होगा तभी वो आपका रिकॉर्ड, मैंने 3 रिकॉर्ड्स बनाए, मेरे को पता ही इन सब की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं जब ये अटेम्प्ट करने निकला था रिकॉर्ड, तो मैं पहले ही अपना सब कुछ ये सब मेंटेन करता रहा था। अभी एक साल, तभी मैं एक साल बाद भी मेरे पास ये सारे एविडेंस है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी तो ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी ऐसा यानी वो मत करिएगा कि मैं कुछ बना लूँगा, ये कर दूँगा, सब पता लग जाता है क्योंकि वो जीपीएस रिपोर्ट से देख लेते हैं आपकी गाड़ी कब कहाँ थी, आपका टाइम मैच कर लेते हैं सीसीटीवी के कैमरे से कि उस टाइम पे आपकी गाड़ी वहाँ चल रही है नहीं चल रही, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। आप पेट्रोल पंप पे किस टाइम पे पहुँचे वो उसको जीपीएस से या आपके सीसीटीवी वाले टाइम से मैच कर सकते हैं। तो इट इज़ गुड, आप जितना अपना ऑथेंटिसिटी रखेंगे अपने यानी डॉक्यूमेंट्स की, उतनी ही जल्दी वो यानी बुक्स में, रिकॉर्ड्स में आएगा। इट्स अ लॉन्ग वे, आई टोल्ड यू ना, इट्स अ वेरी ह्यूज, जितने ये सब इकट्ठा करना इट्स नॉट ईजी। फिर जैसे आप ये रूल्स एंड रेगुलेशन की जो उनकी पूरी बुक होती है वो आपको पूरी साइन करके देनी होती है, तो वो बुक भी अगर मैं पेजेस अपने हटाऊँ तो ये तो जीपीएस रिपोर्ट हो गई, ये है पूरी, तो ये पूरी की पूरी मैंने साइन करी हुई है अपनी, यानी उनको साइन करके ये है। तो ये पूरी आपको स्टैम्प करके, स्टैम्प तो नहीं करना यानी अपना काउंटर साइन करके देनी है। तो ये रही साइन कॉपी ऑफ, तो आप उसको साइन करो और फिर वो जब आप उसको उसमें देंगे क्या नाम है सॉफ्ट कॉपी में भी आपके साइंस होने चाहिए, तो ये मेरे साइन हो रखे हैं। तो ये भी पूरी की पूरी बुक करीब बहुत बड़ी बुक थी, तो इसको मैंने फिर स्कैन करके वापस डाला। फिर जो है इसके बाद ये जो आपसे मांगते हैं वो कहते हैं कि जो आपकी लॉग बुक है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो लॉग बुक आपकी हर जगह जहाँ पर भी आप रुक रहे हो स्टे कर रहे हो तो वो हर जगह आपका मीटर रीडिंग नोटेड होनी चाहिए, टाइम नोटेड होना चाहिए, दिस इज़ द मेन एविडेंस आई बिलीव। तो ये मेरा लॉग बुक है अगर देखना चाहो तो हर जगह मैंने स्टैम्प्स वगैरह करवाई, काउंटर स्टैम्प्स कराई, इसमें सारी डिटेल्स है कहाँ से मैंने स्टार्ट करा कहाँ तक गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप सब मेंटेन करें। तो ये मैंने 6 तारीख को उमरिंगला पहुँच के ख़त्म किया था, अगर मैं यानी यूँ दिखाऊँ तो 6 तारीख को मैं 2:00 बज के
57 मिनट पर पहुँचा था, तो वहाँ पे जो वहाँ के इंचार्ज थे उन्होंने यहाँ पे साइन किया था, उन्होंने बोला था जब आप वापस नीचे जाओगे तो हमारे यानी मेजर से अपना उन्होंने मेजर सूरी का नाम बताया था तो उनसे काउंटर साइन अगले दिन करा सकते हो, तो वो हमने करा लिया था और इसको भी गस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करा लिया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपको साइन देना होता है और इसमें पूरी डिटेल्स के साथ लास्ट में होता है कि 6 डेज में करा है, इतने किलोमीटर्स करे हैं, यानी इतने टाइम में करा है, इतने किलोमीटर्स करे हैं, और दिस शुड बी अगेन साइन बाय द गस्टेड ऑफिसर। फिर आपका लास्ट में जो रह जाता है वो गुड हेल्थ वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया, एंड यू मे सेंड एज मच एज कॉपीज। वो कहते हैं कि आपके पास जितना भी यानी इसके अलावा आपके पास अगर कुछ है जो लगता है कि हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ एविडेंस, जैसे मेरे पास था, हाँ मेरे पास मैंने रोड परमिट्स जो ले रखे थे वो इसमें मेंशन नहीं था तो मैंने रोड परमिट्स भी लगा दिए, और भी कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आपको ऐसा लगता है किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग में हो उसने एक्नॉलेज किया हो तो उस वीडियो को भी, मैंने बहुत सारी वीडियोस में उन लोगों को डाला है जिन्होंने जो मेरे साथ थे वहाँ पे और जिन्होंने बताया कि आई एम ड्राइविंग। तो दिस इज़ ऑल, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यानी अपने अटैम्प्ट तो एक तरीके से एक चैलेंज होता ही है, उसके बाद जो ये डॉक्यूमेंटेशन होती है इट इज़ ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग। और तो मैं आप सबको यही बोलूँगा कि बी प्रिपेयर्ड, अगर आप कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। ये आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप पे हमेशा इसको रखता हूँ, और प्लस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है वैसे ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी मैंने सबमिट कर रखा है। आई डोंट नो कि व्हेन दे आर गोइंग टू एक्नॉलेज, ये एक साल में सबमिट हो रहा है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इन लोगों ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने विद इन टाइम, अगर वो देखा जाए तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इतना बड़ा नाम है और उन्होंने इतना टाइम ले रखा है मेरे पास रिप्लाइज, अब काफ़ी टाइम से कोई आया नहीं है, बट आई एम स्टिल ऑन देम कि हाँ उनको ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सबमिट करना चाहिए, क्योंकि एज अ स्पेशल लेवल पर्सन जो एज अ व्हील चेयर यूज़र कह लो, मैं एक बार फिर अपनी वीडियो में बोलूँगा। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ डैम डिफ़िकल्ट, बड़ी सारी मेरे को पता है चैलेंजेस जो मेरे थे वो मैंने पार करके रिकॉर्ड बनाया है, तो आई एम थैंकफुल टू लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की दे आर गोइंग टू एक्नॉलेज दिस थिंग इन दिस ईयर, और फिंगर क्रॉस है कि इस वाले एडिशन में वो मेरा आ भी जाएगा, तो आप लोग भी देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बोला कि जाना इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि ना जैसे मैंने तो स्टेप बाय स्टेप सारा ढूंढा है ये सब कुछ, तो इस वीडियो से ना आपको स्टेप बाय स्टेप इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा, बहुत हेल्प आउट हो जाएगी, लोगों का टाइम बहुत सेव हो जाएगा और वो कोई ऐसा ग्लिच नहीं करेंगे उतनी, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से उनका रिकॉर्ड ना बन सके। तो दिस इज़ ऑल इन माई वीडियो, और ये ऑन द वे वाली जो जर्नी है ये मैंने बाद में यानी जाते हुए रिकॉर्ड करी है, उसमें मैंने बोला कि ले चलते हैं सीधा घर पे, तो ऑब्वियसली ये सारा घर पे ही आप काम कर सकते हैं, अपने घर पे बैठ के आराम से सारी मेल पूरी गाइडलाइंस पढ़ें और कंट्री के लिए अपने हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड बनाएं, क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ अ ड्रीम एंड एवरी पर्सन इज़ हैविंग अ ड्रीम, तो अपनी ड्रीम्स को भी फुलफिल करें, और अगर उन ड्रीम्स के साथ आप अपनी कंट्री के लिए कुछ रिकॉर्ड्स बनाते हैं तो भाई वाह, इससे ऊपर कोई वर्ड नहीं होगा। तो स्टे ट्यून्ड, मेरी बात पसंद आई और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब ये मेरे चौथे रिकॉर्ड के बाद जो मैं पांचवा करने जा रहा हूँ वो शायद आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको तब पता लगेगा, वो नहीं वो शायद ना प्लान्ड था और अभी भी प्लानिंग्स में है, जो मैं अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे आपको उनमें पता लग जाएगा कि मैं क्या करने वाला था 2021 में, तो उसको ही हम प्रोसीड करेंगे इनकमिंग ईयर। तो चलते चलते अगर आप सभी लोगों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एंड इट इज़ इंटैक्ट एंड आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग रिकॉर्ड्स।
एंड अगर आपको कुछ समझ नहीं आया और कहीं पे कोई डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी आपको पूछना है तो प्लीज यू कैन लीव अ कमेंट, लीव अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आप कैप्शन में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके टैग करके भी पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर दैट. तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. टेक केयर.